हाय गाइस, मैं प्रियंका अपने चैनल आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के साथ एक नया चेहरे के लिए टिप्स लेके आए हैं जो आपको हम बताएंगे, क्योंकि अगर हम लोग पार्लर वगैरह में जाकर अपने चेहरे का बाल निकलवाते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ जाता है, और बार बार पार्लर अगर हम जा नहीं सकते हैं तो हम घरेलू उपचार से अपने चेहरे के बाल को कैसे हटा सकते हैं, वही आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ गाइस, ऐसा मत करिएगा, आप लोग देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपको कमेंट का इंतजार रहेगा। तो देखिए, हमने चेहरे का बाल हटाने के लिए यहाँ पे हमने शक्कर लिया हुआ है, शक्कर का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये गेहूँ का आटा जो होता है उससे लिया हुआ है, और हमने बेसन लिया हुआ है। ये तीन चीज़ों से हम बनाएंगे अपने चेहरे का बाल हटाने के लिए कि अनचाहे हम चेहरे का बाल कैसे हटा सकते हैं और इसे कैसे बना के तैयार करना है। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें इसे कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है, सब इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने एक खाली बोल लिया हुआ है साफ, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गेहूँ का आटा। अगर आप पूरे शरीर में लगाना चाहते हैं तो इसका क्वान्टिटी ज़्यादा और कम कर सकते हैं, हम सिर्फ चेहरे के लिए बना रहे हैं इसलिए 1 चम्मच ही हम मिला रहे हैं, और जितना हम आटा लिए हैं उतना ही हम लेंगे बेसन। ये 1 चम्मच बेसन, ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहीं पे हमने शक्कर लिया हुआ है, तब इसमें हम पानी डालकर शक्कर को घुला लेते हैं, क्योंकि मेन इसका यही काम है यहाँ पे। और आप सोच रहे हैं कि हमने शक्कर क्यों लिया हुआ है, तो हम आपको बताते हैं कि शक्कर का इसमें क्या काम है। तो शक्कर से ये होगा कि जो हम बेसन और आटा लिए हुए हैं उसमें ये मिक्स करेंगे शक्कर का पानी, तो उससे हमारा जो है आटा का घोल चिपचिपा हो जाएगा, जिसे हम चेहरे में अप्लाई करेंगे तो हमारे चेहरे का बाल है जो आसानी से और पूरा जट से निकलेगा। इसलिए हमने चीनी और पानी का घोल बनाया हुआ है, बेसन और आटा के मिश्रण में इसको मिक्स करेंगे, और हम आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना है और कितना थिक रखना है और कितना हमें पतला रखना है, तो दोनों हम दिखाएंगे। तो पहले इसको अच्छे से घुला लेते हैं, जब तक ये घुलेगा नहीं तब तक इसमें हम नहीं मिक्स करेंगे। जब ये घुल जाएगा, इसका दाना जो दिख रहा है बिल्कुल घुल जाएगा, तभी हम उसको इसमें मिक्स करेंगे। तो हमारा जो चीनी का पानी है वो घुल गया है, इसमें डाल के इसको अच्छे से घोल बना लेते हैं। ज़्यादा पतला घोल हमें नहीं बनाना है, और इसमें हमने चुटकी भर हल्दी भी मिक्स किया है। आप ज़्यादा हल्दी ना डालिए, क्योंकि ज़्यादा हल्दी डालने से चेहरा पीला पीला लगने लगेगा, तो इसलिए आप चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल करिए। और देखिए, हमारा जो ये घोल है बनके बिल्कुल तैयार हो गया, जिससे हमारे चेहरे का जितने भी बाल हैं वो हट सकते हैं, और एक ही बार के इस्तेमाल में कभी भी नहीं हटेंगे। हम आपको ये नहीं कर सकते हैं कि आप एक बार लगाइएगा तो एक बार में आपको रिजल्ट मिलेगा, आप कसम को वीक में डेली करना है आपको, और आपको 14 से 15 दिन में आपको रिजल्ट इसका समझ में आ जाएगा, आपको एक इस्तेमाल में कभी भी नहीं समझ में आएगा। और ये देखिए, हमें ऐसा ही ठीक चाहिए। तो हमने इसमें सिर्फ हल्दी और आटा और ये जो होता है चने का बेसन वो हमने मिक्स किया हुआ है, और इस सबको मिक्स करके हमने तैयार कर लिया है। और आपको लगाना कैसे वो हम आपको बताते हैं। अगर आपके पास ब्रश है लगाने वाला, जो मेकअप वगैरह लगाया जाता है, तो और भी अच्छी बात है, आप उसके सहायता से लगा सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ऐसे चम्मच ले लीजिए और उससे भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाता है। हम जैसे आपको बता रहे हैं वैसे अप्लाई करिएगा, और बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है। और इसे अप्लाई करके हम सूखने देंगे, और सूखने के बाद जब हल्का सा सूखेगा, ज़्यादा नहीं सूखेंगे इसे, हम ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, जब ये हल्का सा सूख जाएगा इसके बाद इसे हम मसाज करके चेहरे से अपने हटा लेंगे। तो हम अपने हाथों पर आपको करके दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये अच्छा रिजल्ट मिला इसका या नहीं। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे लगा के छोड़ देंगे, और ये जब सूख जाएगा तो सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करेंगे चेहरे पर, और उसके बाद अच्छे से अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो के, उसके बाद आप देखिएगा आपको रिजल्ट खुद समझ में आएगा कि आपके जो थोड़े थोड़े बाल हैं हल्का हल्का निकलने स्टार्ट हो गए। पर आप इसको वीक में डेली करिएगा, और 2 वीक में आपको समझ में आ जाएगा इसका रिजल्ट। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, ऐसे ही बने रहिएगा।